पिछले साल जो मंदी थी उससे कहीं गुना खराब ये दिवाली जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फार्मर के बाद सबसे बड़ी को रोजगार देता है तो टेक्सटाइल उद्योग देता है। सरकार इसमें सीरियस क्यों नहीं है? दिवाली हर साल की तरह इस साल बहुत हल्की है। अभी कारीगर भी बहुत खाली बैठे हुए हैं। जिस तरह पहले काम मिलता था वो काम नहीं मिल रहा है। अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह बरसात का पानी बाढ़ आ रही है, जिस तरह से हालत खराब है, अभी जम्मू कश्मीर भी खुला हुआ नहीं है, उस तरह देखते हुए तो व्यापार आगे भी अभी कोई अच्छा लगने की उम्मीद नहीं है। शुरुआत जो साल का होता है वो शुरुआत से ही, जैसे पोंगल की सीजन 14 जनवरी आती है वो हमारे 50% कम हुई, उसके बाद शादी भी आते हैं वो भी 50% कम हुई। सारी सीजनें हमारी जो भी आई, राखी है, सावन है, और ये अभी नवरात्र है, ये भी 50% रहा। हमने 10 बार सरकार को हमने गुहार लगाई है कि भी जो बाहर से जो कपड़ा आ रहा है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बात को कंसिडर किया, 20% लगा भी थी, लेकिन फिलहाल ऐसा हो रहा है कि चाइना से श्रीलंका जा रहा है, श्रीलंका से कोई बांग्लादेश से आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार की दोनों देशों के बीच की जो करार है उसमें हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मार अपने घरेलू प्रोडक्शन में हो रही है, इसलिए हमें ये मंदी का मार झेलना पड़ रहा है। जो यूपी बिहार में जो अभी हाल ही में बाढ़ आई है, तो हमारा जो पहले का कपड़ा गया हुआ है उसका भी पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी उनको वो पोजीशन में नहीं है कि अपने शोरूम खोल के उसको बिक्री के लिए रख सके, और दिवाली का कपड़ा तो गया ही नहीं, तो वो सारा चीज अटक गया। और मनी क्राइसिस जो है इस बार सूरत में बहुत ज्यादा है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो आ रही है पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। पहले 60 डेज में हमारा पेमेंट वहाँ से आ जाता था बाहर की मंडियों से, अभी 150 दिन में पेमेंट नहीं आ रहा है। कई बार तो व्यापारी पेमेंट की क्राइसिस की वजह से माल वापस भी भेज दे रहा है। जितना जीएसटी के बाद 25% फर्क पड़ा था, लेकिन इस टाइम मध्य से 50% फर्क पड़ा है। जीएसटी से पहले हमारा सूरत का मोटा मोटी 60 दिन की दिवाली का हम मानते हैं 50 दिन का कारोबार होता है, जो करीबन 12,000 करोड़ का कारोबार होता था। प्रतिदिन हमारे यहाँ से करीबन एवरेजली 50 दिन 450 ट्रक के आसपास एवरेज हो जाता था। जीएसटी के बाद में 2 साल के बाद में पिछले साल हमारा कारोबार 6,000 करोड़ तक ही सीमित रहा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी ट्रक है वो 250 से 300 ट्रक का एवरेज आया। लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि हमारे ट्रकों की जो आवाजाही है वो पिछले महीने तक तो 90-100 के आसपास थी, अभी जरूर बढ़ी है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच गए, 200 से 200 ट्रक का एवरेज ही आएगा। जीएसटी की भी 2-3 हमारी डिमांड थी। एक जैसे आरसीएम है, वो एक्ट है जो 30/9/2019 को ये मतलब पोस्टपोन्डेड था, लेकिन हम सरकार से बोल रहे हैं आप इस एक्ट को हमारे कपड़े से हटा दीजिए। दूसरा हो गया ITC 04, जो 31/3/2019 तक पोस्टपोन्डेड किया हुआ था सरकार का, हम बोलते हैं इस एक्ट को भी आप हटाना पड़ेगा, कारण कि जो ITC 04 है वो वैल्यू एडिशन हम जो भी करवाते हैं उसको, उस रिटर्न को हमें क्वार्टरली भरना होता है, तो पर डे हम जो भी कारोबार करते हैं, वर्क में माल जाता है वापस आता है, उसको जीएसटी पोर्टल पे सारी चीज़ के अपलोड करना ये बहुत मुश्किल है, तो हम उलझ के रह जाते हैं, व्यापार की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं।